आ रही है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है, क्या और जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जी अमित, कि अगर आतंकियों के अलर्ट की बात करें तो अलर्ट के लिए खुफिया एजेंसियां पहले से ही बात करती रही हैं, लेकिन आज जो अलर्ट है वो खास तौर पे दिल्ली के लिए, चार आतंकी जो है हथियार दिल्ली में घुसे हैं और उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा एजेंसियां लगातार जो है यहाँ पे छापेमारी कर रही हैं। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पे है और लगातार सघन चेकिंग यहाँ पे जारी है। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी हालांकि दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन जिन चार आतंकियों की तलाश जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है, वो अब तक हाथ नहीं लगे हैं, ना ही अब तक कोई हथियार बरामद हुए हैं। लेकिन जगह जगह, कई जगह जो है आज सुबह से ही लगातार छापेमारी का दौर जारी है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि स्पेशल टीमें भी इस काम को अंजाम दे रही है। और ये समय ऐसा है, खासतौर पर एक तरफ नवरात्रों की भीड़ है, बिल्कुल मार्केटों में भीड़ दिख रही है, दूसरी बात कि कई जगह रामलीला कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, चाहे वो दिल्ली लाल किला की बात करें, रामलीला बिल्कुल मैदान की बात करें, अन्य जगह त्योहार का कई महीना जगह, इसे कहा तो जा सकता है, कहीं त्योहारी कहीं सीजन भी चल रहा है और ऐसे में हर एक जगहों पर भीड़ भाड़ भी देखी जाती है। अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, क्या पूछताछ की जा रही है, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से एरिया हैं जहां पर आतंक की सूचना है और अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, पहले जो अलर्ट जारी किया गया था वो खास तौर पे दिल्ली के एयरपोर्ट थे और वीवीआईपी, यानी खुद प्रधानमंत्री की बात करें या अमित शाह की बात करें, अजीत डोभाल की बात करें, कई वीआईपी जो है वो आतंकियों के टारगेट पे थे। और दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे जो साफ तौर पे देखने में मिल रही है कि अब चूंकि, जैसा मैं बता रहा था, कि मंदिरों में, रामलीला मैदानों में खास तौर पे, और दूसरी चीज कि मार्केटों में ज्यादा भीड़ है, हालांकि पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, लेकिन अब जब क्लियर हो गया है कि चार आतंकवादी हथियार सहित दिल्ली में दस्तक दे चुके हैं, तो ऐसे में उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं लगातार एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है और इसे लेके एजेंसियां और ज्यादा अलर्ट पे लगातार छापेमारी कर रही है। और इससे पहले बात करी जाए तो पंजाब में जिस तरह से ड्रोन से सीमा पार से हथियार भेजे गए, बड़ा जखीरा वहां से पकड़ा गया, और उसके बाद से ये एजेंसियां लगातार जो है इस चीज को लेके इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। यहां तक कि अमेरिकी एजेंसी ने भी हाई अलर्ट इंडिया को अलर्ट जारी किया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बॉर्डर पे किस तरह से आतंकी जो है इस फिराक में है कि कैसे भारत पे हमला किया जाए और लगातार बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर 370 हटने के बाद से अब तक लगातार जो है वो पुलिस और हमारे जवान जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहे हैं और ये मुस्तैदी आज भी उसी तरह से कायम है। और यही वजह है कि आज सुबह से ही खासतौर पर दिल्ली में पूरी तरह से हाई अलर्ट का माहौल है और जहां पे जहां चाहे मेट्रो स्टेशन की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें या अन्य जगह की बात करें, ना सिर्फ वहां की सुरक्षा बढ़ाई गई है बल्कि यहां तक कि छोटी छोटी गाड़ियों की भी गहन चेकिंग लगातार की जा रही है। जी अमित, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुल मिलाकर देखा जाए कि जो आतंकवादी संगठन है वो अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं और अब एक और दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, दो संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है, पूछताछ भी जारी है, लेकिन आपको बता दें तीन से चार आतंकी घुसने की खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ जारी है, चेकिंग अभियान जारी है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, कई जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है।